नमस्ते सब लोग को गुड इवनिंग बहुत कम आते हैं आप ऑडियंस के सामने लाइव <laughs> ऑडियंस के सामने हाँ कम आता हूं हाँ और वैसे भी आप पिछली बार जब मिले थे उससे बाद से ब्रेक पर हैं एक पर्सनल जर्नी पर कब मिले थे मुझे याद नहीं आ रहा है काफी वक्त हो गया <laughs> हाँ हाँ मैं पर्सनल जर्नी में था एक्चुअली आ... करीब दो ढाई साल पहले मुझे कुछ चीजें एहसास हुई अच्छा आ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं करीबन पैंतीस सालों से आ, जो मेरा पैशन है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है सिनेमा की दुनिया कहानियाँ किरदार उसमें मैं इतना खोया हुआ था कि जो मेरे रिश्ते हैं अम्मी बच्चे आ, भाई बहन रीना किरण जो मेरे नज़दीक के लोग हैं मैंने मुझे ऐसे लगता है मतलब ढाई साल पहले मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तवज्जो और वक्त इनको देना चाहिए था वो शायद मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरा ध्यान अपने काम पे था और वो क्रिएटिव दुनिया जो है वो मुझे इतना खींच रही थी कि शायद मैं उसी में खोया हुआ था तो ढाई साल पहले मुझे ये एहसास हुआ तो जब वो एहसास हुआ तो <laughs> पहले तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ और आ, बड़ा नाखुश हुआ मैं अपने आप से कि मैंने इतने साल जो मुझे अपनी परिवार के साथ एक अहम रिश्ता निभाना चाहिए था वो मेरा शायद इतने सालों पूरी तरह नहीं हुआ है और उसका एहसास जब मुझे हुआ मुझे बड़ा दुख हुआ और तब से मैंने अपने आप में तब्दीली लाना शुरू किया मैं इन ढाई सालों में जितना वक्त मैंने अपने फैमिली के साथ गुजारा है शायद पैंतीस सालों में नहीं तो अब वो आप मिसिंग ईयर जो हैं वो आपने पूरा पूरे कर रहे हैं जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो साल में खो चुका हूँ मैं उनको वापस लाऊँ अपने रिश्ते जो हैं उनको मैं फिर से अपनी प्रायोरिटी बनाऊँ और उसमें मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आ, आ, खुश हूँ मैं अब जी ख़ास कर बच्चों के साथ अम्मी के साथ बच्चों के साथ सभी परिवार में सभी के साथ आई थिंक जब ढाई साल पहले जब मैं ये जहन में, में मेरी बात आई थी तो जो चार लोग मेरे सामने जहन में थे वो अम्मी थीं क्योंकि उनकी एज भी हो गई है और आ, आ, हर पल मेरा ज़रूरी है उनके साथ और उनका मेरे साथ आ, आ, जुनेद आ, इस वक्त तो तीस बरस के हैं लेकिन दो ढाई साल पहले की बात है तो वो सत्ताईस अट्ठाईस के थे और आयरा तेईस चौबीस की थी आज़ाद थे अभी बारह के होने वाले हैं वो दस साल के थे तो ये इस इस वक्त मुझे ये चार लोगों का ख्याल आया और मुझे एहसास हुआ कि ये चार लोग जो हैं वो मेरे बहुत अहम लोग हैं मेरे अजीज़ जो जिनको मेरा वक्त इस वक्त फ़ौर चाहिए <laughs> और सारी चीज़ें मुझे छोड़ देनी चाहिए जुनेद और आयरा जो हैं उन मुझे लगता है कि जो उनका बचपन रहा है मैं इतना वक्त इतनी तवज्जो मैं उनको नहीं दे पाया ये मुझे लगता है और इसका अफसोस हमेशा मुझे रहेगा और ये अचानक से कैसे आया ख्याल मैं इसका कुछ एक्चुअली कोविड चल रहा था हुँ. ये कोविड का भी जमाना था तो हम लोग घर पर बैठे रहते थे बहुत सारे विचार आते थे तो रिलेशनशिप्स के बारे में हम सोचने लगे थे काम पे तो हम जा ही नहीं सकते थे पैंतीस सालों से मैं काम के बारे में ही सोच रहा था अब जब काम बंद हो गया तो शायद इसलिए पता नहीं मुझे कि मेरा ध्यान इस पर कैसे मैं सोचने लगा और सडनली मुझे ये फील हुई बात कि यार मैंने मैं बड़ा सेल्फिश रहा हूँ मुझे ऐसा लगा मैं बड़ा सेल्फिश रहा हूँ मैं आ, अपने काम में इतना खोया हुआ था कि मुझे बड़ा दुख हुआ अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ <laughs> तो उस वक्त मुझे लगा कि आई हैव मिस्ड माई चाइल्डहुड ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आए मुझे लगा कि आज़ाद अभी भी छोटा है मैम मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं उसके साथ ये बचपन दस ग्यारह साल का है बहुत जल्द वो पंद्रह साल का हो जाएगा तो जो आखिरी के कुछ साल मेरे पास बचे हैं आज़ाद के साथ मुझे उसको पूरा वक्त देना चाहिए और एक एक्चुअली एहसास मुझे ये आया कि हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं हमारी ज़रूरतें होती हैं कुछ हमारे पैशन होते हैं कुछ हमारी मजबूरियाँ होती हैं आ, लेकिन इस सब में जो सबसे अहम चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये है कि जो हमारे रिश्ते हैं जो हमारे जज्बात जो जुड़े हुए होते हैं हमारे करीबी लोगों के साथ वो सबसे अहम होते हैं फाइनली ये रियलाइज़ेशन हम ये कहते तो हैं लेकिन उसका रियलाइजेशन मुझे बहुत साफ़ तरीके से हुआ एक तरह से हुँ. तो आप आ... फिर किस तरह के पिता मानते हैं अपने आप को वो सेहत के लिए हानिकारक है <laughs> नहीं मैं इस तरफ का पिता नहीं हूं मैं मैं एक्चुअली काफी आ, मैं अपने तीनों बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड रहता हूँ जुनैद अभी तीस साल के हैं वो तो खैर छः फुट दो इंच के हैं वो मेरे पिता लगते हैं <laughs> मैं उनका बच्चा लगता हूँ <laughs> और सॉरी मैं क्या कह रहा था मैं भूल गया किस तरह के पिता है हाँ मैं एक्चुअली काफ़ी फ्रेंडली टाइप का पिता हूँ मैं अपने तीनों बच्चों से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है हालांकि मुझे लगता है मैंने कम वक्त बिताया जुनेद और आयरा के साथ लेकिन उसके बावजूद हमारा रिश्ता बहुत गहरा है और बहुत अच्छा है आ, आ, वी आर लाइक फ्रेंड्स हम लोग बात जब करते हैं हम लोग काफ़ी खुल के बात कर सकते हैं एक दूसरे से तीनों बच्चों के साथ तो वो कंप्लेन नहीं करते कि हमारे मिस हो गए हाँ 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 नहीं कम्प्लेन करते हैं वो <laughs> इतने सालों से कम्प्लेंट ही कर रहे थे आ, अब उनको भी थोड़ा एक्चुअली मेरा रिएक्शन इतना स्ट्रांग था ना ढाई साल पहले एक्चुअली किसी को पता नहीं है तो आप लोग कैसे सोचने के पता नहीं क्या बात कर रही है जब ढाई साल पहले मुझे ये फीलिंग आई ना तो मैंने सोचा कि मुझे अब फिल्में फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए मुझे फिल्में छोड़ देनी चाहिए मतलब आप छोड़ देनी चाहिए मैं छोड़ दी थी मैंने मैंने अम्मी अम्मी को बच्चों को घर पे सबको बोल दिया था कि बस अभी मेरा काम हो गया अभी मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ एक्चुअली मुझे गु़स्सा आया अपने आप पे और इरिटेशन uh, हुई अपने आप पे और मैं गुस्सा वो अपना सिनेमा पे निकाल रहा था क्योंकि मुझे लगा ये चीज़ है जिसने मुझे अपने परिवार से दूर खींचा है तो खुद पे और सिनेमा पे मैं खामोखा गुस्सा निकाल रहा था

कि पहले थे ही नहीं और अब अब हैं तो हाँ, बैठे तो उन्होंने कहा भी हम, हमारी भी जिंदगियां हैं हाँ, हमें भी वक्त चाहिए <laughs> तो, तो खैर मेरे बच्चे भी काफी मेच्योर हो गए तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई आप काम मत छोड़िए क्योंकि ये आपकी जिंदगी है ये आपका पैशन है तो इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी आई हैव टू से इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते हैं फिर कुछ हमें एहसास होता है बाद में कि शायद ये चीज हमसे रह गई है और मैं मैं चाह रहा था कि जो चीज़ मुझसे रह गई है मैं फौरन उसको उस पर तवज्जो दूं और जो मैंने किया एटलीस्ट मैं खुश हूं कि जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने उस पर सही कदम उठाए एंड टुडे आई एम रियली कनेक्टेड विद ईच वन ऑफ इन विथ ईद आपने कहा आप तो बड़े हो गए हैं जुनेद बड़े, हैं। बड़े हो गए हाँ जुनेद अभी देखिए वो आ, आ, उनका पहला कदम भी हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में hmm. आ, अजीब बात है वो एज एन एक्टर नहीं आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे लेकिन वो उनका पहला कदम जो है वो एज ए प्रोड्यूसर रख रहे हैं आपके फादर की तरह मेरे फादर की तरह हाँ बड़ी मुझे तर, बड़ा ताजुब हुआ तो जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई है वो एज ए प्रोड्यूसर बनाई है और बड़े केपेबल uh, वे में बनाई है प्राउड ऑफ फिल्म एकदम शेड्यूल में कंप्लीट हुई टाइम पर कंप्लीट हुई अच्छी बनी है डायरेक्टर भी नए थे तो एक नई टीम थी यंग पीपल वो मेकिंग इट एंड जुनेद प्रोड्यूसिंग इट सो आई एम रियली हैप्पी विद द वे ही इज डन इट और कब कब रिलीज हो रही है ये फिल्म ये फिल्म आ, अगले साल इसका नाम है प्रीतम प्यारे प्रीतम जो प्यारे जुनेद ने प्रोड्यूस किए इसमें मैं एक कैमियो कर रहा हूँ छोटा सा रोल है मेरा हुँ. चार पांच सीन का रोल है आ, बट आ, तो हीज, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन थिएटर जुनेद जो है वो एक्चुअली जुनेद के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ही इज जब बहुत ही जहीन है क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है ना मतलब जो भी सब्जेक्ट पूछो तो उसको हर चीज़ का जवाब आता है उस टाइप का बच्चा है जिन्हें लेकिन जब वो बड़ा हो रहा था वो दसवीं में आया तो रीना और मैं काफ़ी कंसर्नड और परेशान थे क्योंकि वो एकेडमिक्स में पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज था हर सब्जेक्ट में लेकिन वो लोगों से बातचीत करने में बहुत शर्माता था आ, लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत झिझकता था तो मुझे बड़ी परेशानी हुई मैंने कहा यार कितना भी आदमी इंटेलिजेंट हो अगर आप दूसरों के साथ जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है हमारी वो हम लोगों के साथ डील करना आना चाहिए और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती आप किसी भी फील्ड में हो दोस्त बनाना रिश्ते बनाना तो मैं बड़ा टेंस था क्योंकि वो सारे एग्जाम में वो टॉप नंबर लाता था और नॉर्मली पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरा बेटा फर्स्ट आता है मैं इतना खुश नहीं था मैं टेंथ था मैं बोला यार फर्स्ट फर्स्ट ठीक है इसको यार मतलब लोगों के साथ डील करना आना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसका उसकी वजह क्या लगती थी आपको आई डोंट नो वो क्यों सर एक्चुअली ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट जुनेद जो है आपने उसकी शायद फोटो भी नहीं देखी होगी आ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने आपके बेटे की चेहरा ही नहीं देखा तो वो ही इज वेरी शाई ही वो ज़्यादा बाहर नहीं जाता वो अलग किस्म का बंदा है थोड़ा जैसे कि अभी वो तीस साल का है और आ, मतलब बचपन से जब जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ करें तो मैं चाह रहा था कि मैं उसके लिए जब वो स्कूल भूल जाए कहीं भी घूमने जाए मैं गाड़ी ले लूँ आज तक उसने मुझको अलाउ नहीं किया गाड़ी लेने के लिए